No. प्रणाम सभी लोगों को मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषा शुरू करते हैं आज की संभाषा सभी को कुछ ना कुछ नया ज्ञान प्रदान करेगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूं और मैं यहां पे कुछ लोगों को होस्ट बनाता हूँ और मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन भी देता हूँ आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ मैं आप लोगों से कुछ बातें बताना चाहता हूँ और फिर मैं विषय पे भी आऊंगा आज क्या हुआ कि सुबह के दो लेक्चर हुए ये बहुत गंभीर मामला है आप लोग के साथ भी हो सकता है इसलिए मुझे ये बताना बहुत जरूरी है कुछ फ्रॉड केस हुआ वो स्कैम में कैसे फंसाया जाता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ पहले मैं एक मिनट यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ एक मिनट रुके एक मिनट बस आज क्या हुआ कि मैं जैसे लेक्चर वगैरह ख़त्म हो गया मेरा तो मैं तो नहा धो के लेक्चर लेता ही हूँ तो मुझे सुबह आठ बजे एक फ़ोन आता है लेक्चर खत्म होने के आधे घंटे बाद एक फोन आता है कि मैं इंडियन पोस्ट इंटरनेशनल सर्विस से बात कर रहा हूँ मुंबई ब्रांच से तो आपका एक पार्सल था जो आपने कुछ भेजा था और वो शेख अब्दुल गफार नाम से था तो वो कस्टम डिपार्टमेंट ने मुंबई के सीज किया है तो मुझे लगा कि मैंने तो दुबई दवाई नहीं भेजा है ऐसे दवाइयां भेजता हूँ मैं कनाडा भेजता हूँ मैं इंग्लैंड भेजता हूँ हमारे वो अंशुल दत्ता जी है वो दवाइयां स्पीड पोस्ट से मैं भेजता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन में भी है मेरे पेशेंट है तो मैं भेजता हूँ तो उन्होंने कहा कि ये कस्टम डिपार्टमेंट ने सीज किया है और इसमें कुछ ऐसी चीजें पाई गई हैं जो मतलब गलत चीजें तो उसने मुझे कहा कि पार्सल नंबर है ई के फोर फाइव टू एट सिक्स थ्री नाइन एट जीरो आई एन तो ये लगा कि हाँ ये स्पीड पोस्ट का ऐसे ही रहता है इंटरनेशनल फिर पार्सल का नाम बताया नाइन पुलिस यूनिफॉर्म थर्टीन आई पुलिस कार्ड और उसने मुझे ये कहा कि ये जो एड्रेस है अलहुद स्ट्रीट डाउन टाउन दुबई पोस्टल कोड टू फाइव थ्री वन फोर तो ये भी दुबई का है पोस्टल कोड ऐसा और फिर उसने मुझे कहा कि मतलब धीरे धीरे बात कर रहा था जैसे वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उसने कहा मेरा एम्प्लॉय आईडी है रवि कुमार और मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर है मेरा आईडी कार्ड है फाइव टू वन वन सिक्स तो आपके नाम और आपका नाम है आपका आधार कार्ड नंबर है और आपका ही फोटो है इसमें और आपके नाम से ये कोई पार्सल गया है आ, लेकिन वो सीज हो गया है मुंबई में और ओवरसीज जो रहता है मतलब विदेशों में कुछ चीजें भेजते हैं तो अगर कुछ संदिग्ध पाया जाता है तो वो कस्टम वाले बुलाते हैं पकड़ के लेके जाते तो उसने कहा कि आपका तो बहुत सीरियस मैटर हो गया है इसमें कुछ चीजें पाई गई हैं संदिग्ध चीजें पाई गई हैं स्कैनर से पता चल गया तो आपको मुंबई आना होगा कस्टम डिपार्टमेंट में उसने सब एड्रेस वेस बताया तो मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता तो मैं तो अभी पेशेंट आ रहे हैं मेरे पास मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर मैंने सब बताया तो उसने कहा नहीं नहीं आपका तो यहाँ पे आधार कार्ड है आपका सब एड्रेस, एड्रेस सब है तो आपके नाम से किसने भेजा तो ये एक आप पुलिस कंप्लेन करिए ऑनलाइन तो उसने मुझे एक नंबर दिया नहीं उसने कनेक्ट करके दिया मुझे किसी पुलिस से तो मैंने उसको बताया कि मैं डॉक्टर अरविंद पाठक बोल रहा हूँ मेरा हॉस्पिटल है और मैं दवाइयां भेजता हूँ लेकिन ये पार्सल मेरा नहीं नहीं है है मैंने नहीं भेजा है। तो उसने बोला कि आप मिनट मैं आपको कॉल करता हूँ और मैं रिकॉर्ड करूंगा और आप व्हाट्सअप ओपन करिए मैंने व्हाट्सअप ओपन किया तो उसने कहा कि तो एक न आदमी आया जो बोला कि मैं सब इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच से हूँ और उसने ऐसा पूरा ड्रेस वेस पहना था और ऐसा लग रहा था कि पुलिस स्टेशन में यंग लड़का लग रहा था तीस साल का तो उसने मुझे कहा कि आपका हम बयान लेते हैं कि आपका क्या क्या कंप्लेंट है तो मुझे भी पोस्टल ऑफिस से फोन आया है कि आपका कोई कंप्लेंट है तो मैंने ये सब सारा इंफॉर्मेशन बता दिया उसको फिर उसने मुझे पूछा कि आपके घर में कौन है तो मैंने कहा मम्मी पापा का डेथ हो गया है बहनों की शादी हो गई है भाई है ये सब मैंने बताया तो उसने सब रिकॉर्ड किया मेरा मतलब वीडियो कॉल से फिर क्या बोलते हैं कि अरे आपके नाम पे तो तीन अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है मुंबई क्राइम ब्रांच से ईडी से से एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट तो आपको तो कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है तो मैं डर गया कि ये क्या हो गया तो उसने मुझे कहा कि आपका ये आधार कार्ड है और ये बहुत सीरियस मैटर है आपको तो अभी हम आएंगे और आपको उठा के लेके जाएंगे लोकल सीबीआई वाले आएंगे ईडी वाले आएंगे आपको लेके जाएंगे तो आपका पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाएगा आप और उसमें नॉन अवेलेबल वारंट है वारंट इशू हो चुका है तो मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है ये क्या हो रहा है अचानक ऐसा कैसे हो रहा है फिर तो मेरे पेशेंट आ गए तो मैंने क्लिनिक बंद कर दिया बोला कि क्लिनिक बंद करो तुम और उसने मेरे को अरविंद अरविंद करना बोल दिया कि तुमने एक मनी लॉन्ड्रिंग किया है एक सुरेश अनुराग करके कोई कैनरा बैंक का एम्प्लॉय था उसने कैनरा बैंक का करके और किसी को ना टू ऐसे लोगों का उसने अकाउंट खोला है और तुम्हारे उससे दो लाख टू सिक्सटी फाइव करोड़ रुपए दुबई में गया है कोई बैंक में का नाम बता रहा था तो वहां पे गया है और ये पैसा जो है ये पुलवामा अटैक और ये जो मुंबई ब्लास्ट हुआ था इन सब में होता है तो तुमको तो ये टेररिस्ट के उसमें तुम इन्वॉल्व हो गए तुमने पैसा दिया है और उसने उस आदमी ने बोला सुरेश अनुराग ने कि मुसीबत के टाइम पे तुमने पैसा उसने पैसा दिया और तुमने कमीशन दिया ऐसे कुछ तो स्टोरी बताया तो मेरे को बहुत टेंशन आया कि ये क्या हो रहा है तो वो बोला मैं निकाल दूंगा नहीं तो नाइनटी डेज के लिए अरेस्ट हो जाओगे और डॉक्टर का रेपुटेशन भी जाएगा सब जाएगा और पूरे सब जगह फैल जाएगा तो ना प्रैक्टिस करोगे ना लाइसेंस होगा ना कुछ होगा और एक बार धब्बा लग गया तो सब खराब हो जाएगा स्पॉइल हो जाएगा नाइन्टी डेज बेल नहीं मिलेगा और कोई वकील नहीं काम कर सकता ऐसे उसने मुझे सब टेक्निकली ऐसे सब बताया फिर क्या बोलते हैं कि आ, मैंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है ऐसा उसने एक घंटा मेरा मेरा टाइम वेस्ट किया उसके बाद में उसने कहा कि मैं मेरा एक आ, सीनियर ऑफिसर है आ, उनसे मैं बात करता हूँ कि क्या कर सकते हैं तो वो ले गया मोबाइल को ले गया तो सीनियर ऑफिसर वहां से कुछ तो अपशब्द गालियां देने लगा मुझे कि तुमने ये जुर्म किया है तुमको तो हम अरेस्ट करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो ये आदमी फिर बाप, बाहर आया तो ये क्या बोलते है कि वो हमारे सीनियर नहीं सुन रहे हैं अभी तो पुलिस आ रही है और आपको उठा के लेके जाएगी तो और आप भी नहीं बोल रहा था तुम तुम बोल रहा था तू तु, तू बोल रहा था कि तेरे को उठा के ले जाएगी हम ये नहीं सोचते डॉक्टर है या क्या है क्राइम किया है तो क्राइम किया है तो फिर उसने कहा कि मैं एक सोल्यूशन देता हूँ कि सीबीआई आ रही है तुम्हारे घर में तो सी का एक ऑफिसर है जो दिल्ली से हाँ है उसको कॉल करना और वो कुछ उल्टा पुलटा भी बोले तो चुप रहना और सब सह लेना और वो फिर क्या करेगा कि इमीडिएट बेल का वो करेगा अप्लाई करेगा सुप्रीम कोर्ट से क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से ये हुआ है तो मैं डर गया कि ये क्या हो रहा है अचानक कैसे, कैसे हो रहा है तो फिर मैंने वो फोन किया उसका जो उसने नंबर दिया था और उसने एफ नंबर भी मुझे दिया कि एफ uh, आई नंबर है टू फाइव फोर फाइव सेवन फोर उसने अपना नंबर दिया कि मैं सब इंस्पेक्टर मुंबई विक्रम सिंह बोल रहा हूँ और एक नंबर एक नंबर है सीबीआई ऑफिसर उसका नाम बताया और बोला है, है।, तो तो है सुरेश अनुराग को भी हुआ है तुमको भी अभी हम पकड़ के ले जाएंगे लेकिन तुम डॉक्टर हो इसलिए हम तुमको बचा रहे हैं तो सीबीआई ऑफिसर से बोला वो नेगोशिएट करेगा और तुमको निकाल देगा तो मैंने फोन किया व्हाट्सएप कॉल से उसको सीबीआई ऑफिसर को तो बोला कि ये बहुत सीक्रेट है नेशनल सिक्योरिटी की बात है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और इसका टेररिस्ट अटैक हो सकता है इससे और वहां दुबई में सब दाऊद इब्राहिम वगैरह बैठे है मतलब उन्होंने ऐसे डराया मुझे इतना डराया तो उसने मैंने उसको किया तो वो ना सीबीआई का वो पूरा पीछे वो था लोगो था जैसे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो कैसे आते हैं मतलब जैसे भारत सरकार वैसे वैसे वहां सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ड्रेस पहना हुआ एक पुलिस था चौबीस पच्चीस साल का लड़का था वो ऐसे लग रहा था कि दिल्ली का है और ये जो विक्रम सिंह था ये लग रहा था कि यूपी या बिहार का है ऐसे ये मुंबई का तो वो जो दिल्ली में बैठा था ना वो थोड़ा मराठी बोल रहा था थोड़ा दिल्ली टोन में बोल रहा था तो वो आधा मराठी भी बोल रहा था कि मितोला अड़क तो है तो यहा है वो है ऐसे ऐसे बोल रहा था फिर क्या बोला कि तुम्हारे तो अरेस्ट वारंट है बारह बजे तक अरेस्ट हो सकते हो तो तुम ना तुम्हारा कितना पैसा है बैंक में बताओ अभी हम पूरा जांच करेंगे तो मैंने असल में मुझे नहीं बताना चाहिए था मैंने बता दिया कि मेरा इस बैंक में ये अकाउंट है ये इतना पैसा है उसने ज्यादा डिटेल नहीं लिया केवल बैंक अकाउंट और कितना पैसा है ये पूछा तो फिर आ, मैं बहुत टेंशन में आ गया तो उसने मुझे बहुत डराया कि सीबीआई थर्ड डिग्री टॉर्चर करती है तुमको उठा के लेके जाएगी दिल्ली में हम लेके आएंगे प्लेन से लेके आएंगे हमारे ये वो है तो उसने वो टॉर्चर किया फिर बाद में क्या बोलते हैं कि मैं ऑडिटर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उससे मैं बात करता हूँ कि तुम्हारा एक एप्लीकेशन रहेगा तो बेल मिल जाएगा अभी तो तुमको उठाने ही वाले है तो ऑडिटर के पास गया तो ऑडिटर ने कहा कि अभी हम ये नहीं कर सकते हैं, ये तो ये मतलब गलत काम किया है विक्टिम नहीं है ये आरोपी है इसको तो उठाना है तो फिर वो उसने मुझे फिर आधे घंटे तक ऐसे बोर किया बहुत ज्यादा फिर उसके बाद में फिर कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ तो जो जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा कोपरेट कर रहे हो इसलिए हम हेल्प कर रहे हैं हम नहीं चाहते हैं कि लाइफ बर्बाद हो और अब मेरी नौकरी का सवाल है मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ तो ऐसे दिखा रहे थे कि वो फोन पे बात कर रहे तो ऑडिटर ने कहा कि ठीक है तो उसने मुझे कहा कि ऑडिटर बोल रहा है कि तुम प्लेन पकड़ो और जल्दी से दिल्ली आओ सी सीबीआई ऑफिस में आके और अपना स्टेटमेंट लिखवाओ तभी बेल मिलेगी नहीं तो अरेस्ट करेंगे और अभी हम भेज रहे हैं तो मैंने कहा कि मैं दिल्ली कैसे आऊंगा अभी टिकट कैसे मिलेगा क्या है तो बोलते है, मैं एक सोल्यूशन देता हूँ और वो पूरा दिख रहा था वीडियो कॉल में पुलिस है पुलिस का वर्दी पहने हुए है कुछ कमिश्नर का उसका वो लग रहा था मतलब तो वो डीसीपी या कमिश्नर था और सीबीआई का पीछे वो था और पहले वाला जो आदमी था वो मुंबई पुलिस उसका वो सब सब था लोगो वगैरह मुंबई पुलिस ऐसे था तो इसने सीबीआई वाले ने कहा कि तुम क्या करो कि सारा अकाउंट में जो पैसा है ना वो एक्सिस एक्सिस बैंक बैंक में में डालो में डालो और फिर मैं बताऊंगा क्या करना है तो तभी मैंने मैं बहुत टेंशन में था ऐसे घंटा मेरा वेस्ट हो गया आठ बजे से लेके ग्यारह बजे तक मेरा टाइम वेस्ट हुआ इतना मैं बहुत टेंशन में आ गया कि ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया तभी मैंने अपना ग्रुप खोला वडगांव श्री खराडी डॉक्टर एसोसिएशन उसमें ऐसे मैसेज आया कि आ, आ, ये ना ऐसे बहुत सारा सीबीआई का फ्रॉड कॉल चल रहा है आप लोग सावधान हो जाओ डॉक्टर्स लोगों ने ऐसे किया तो आ, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया तो उसने दूसरे नंबर से व्हाट्सअप किया मुझे और वो भी मुंबई पुलिस का था सीबीआई का वो था सारा लोगो वगैरह वो मुझे फिर किए तो मैं ब्लॉक कर दिया फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो ऐसे और भी बहुत सारे से फ्रॉड केसेस चल रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच के रहिएगा फिर मैंने पता लगाया पूरा नेट से सर्च किया तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी ईडी को नहीं भेजती है है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी अरेस्ट वारंट नहीं करती है ये मैंने सब कानूनी रूप से देखा तब मुझे पता चला फिर मैंने ब्लॉक कर दिया अगर मैं उनके जाल में फंस जाता ना तो मेरे पैसे पूरा ले लेते वो लोग और ऐसे दिखाते कि वो मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मैं फंस जाता ट्रैप में ऐसा हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे लिए वो जो भेजा था आप लोग भी सावधान रहिएगा ऐसा और ये डॉक्टर्स डौ, पे और मेन बात है कि मेरा आधार कार्ड कैसे इन्होंने वो लिया कहा से उड़ाया बोल रहे हैं कि आप बैंक में दिए थे आधार कार्ड मैंने कहा मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार कार्ड दिया था और मैंने इंश्योरेंस कंपनी में दिया था पापा का वो डेथ क्लेम में था तो आधार कार्ड का पूरा कॉपी इन्होंने निकाला मेरा फोटो भी निकाल लिया है कहाँ से निकाले मालूम नहीं है और मेरे को इतना डरा रहे थे ना इतना डरा और पुलिस जैसे ही बात कर रहे थे थर्ड डिग्री टॉर्चर जैसा बात कर रहे थे हाँ साक्षी मैम कुछ बोल रही है चैट बॉक्स में। मुझे भी ऐसे कॉल आया था हमने इसकी कंप्लेन की थी हाँ आधार कार्ड का ये डिटेल्स होटल वाले फॉरवर्ड करते हैं हाँ आपकी बात सही है ये होटल वाले रहते हैं या बैंक के रहते हैं या कोई ना कोई तो है जो ना ऐसे हमारे साथ ऐसा आ, हमारा ये सब लीक करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को वो एफ आई आर वाला कॉपी आप लोगों को देता हूँ मैं ये बात यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ ये बात मैं इसलिए बताता हूँ कि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं आप लोगों को इन सब चीजों से बच के रहना है अगर कोई भी ऐसे टेंशन है तो अकेला मत समझिए आप लोग हमसे बात करिए हम आप लोगों को सब बताएंगे हाँ शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं शशि मैम अनम्यूट कर पा रही हैं क्या आपने हैंड रेज किया है शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाह रही है क्या अभी आप लोग ना ग्रुप में देखिए देखिए ग्रुप में देखिये यहाँ भरतपुर में जो मेव हैं, हाँ, तो हाँ, करते है वो सारा कुछ अभी पकड़ में भी आए कई और वो इस तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे कर रहे हैं और भी कई तरह के करते हैं वो तो नेकड़ नेकड़ बना लेते हैं वीडियो वगैरह और उस तरह का करते हैं और ये जो गाड़ी गाड़ी वगैरह अपन जो इसमें ओलेक्स वगैरह वगैरह डालते हैं वहां से ले लेते हैं ये लोग ऐसे बता रहे थे उस समय

हाँ शशि मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं। इन सब फ्रॉड से आप लोग बच के रहिए मैं एक मिनट ये भेज के फिर मैं पढ़ाने का बात करता हूँ एक मिनट ये आप लोग को मालूम होना चाहिए इसलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म पे ये बातें बताई हैं कि ये चीजें बहुत सारे डॉक्टर्स अभी टारगेट पे हैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे अभी डॉक्टर्स टारगेट पे हैं हाँ, शशि हाँ जी, हाँ जी हाँ तो उन्होंने बोला कि आपको क्रेडिट कार्ड का आपने बिल नहीं पे किया है और तीन बार हो चुका है और दो घंटे के अंदर आपके साथ में कार्रवाई होगी पुलिस की जो भी सारी चीजें मतलब उस तरीके से अरेस्ट वारंट वगैरह और वो इतफाकन टाइम उन लोगों ने गलत चूज कर लिया था क्योंकि सुबह के नौ बज रहे थे तो मुझे ये पता है कि इस टाइम तक तो कोई कार्यक्रम ही नहीं शुरू होता गवर्नमेंट के और उससे बड़ी एक चीज थी हालांकि मैं भी उनके ट्रैप में फंस गई थी क्योंकि जब उन्होंने कहा कि की नौ नंबर पर कॉल करके बात कर लीजिए लाइन पर उनसे क्लियर कर लीजिए तो मैंने उनको अपना आधार नंबर बता दिया था तो बाद में लेकिन मेरे को तो था कि भाई मैं तो क्रेडिट कार्ड ही नहीं यूज करती जब मैं क्रेडिट कार्ड ही नहीं यूज करती तो उसके बिल का सवाल ही नहीं उठता तो फिर बाद में मैंने अपनी सारी ईमेल चेक करी ये है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में बैंक मैनेजर वगैरह सारे लोग हैं तो मैंने उन लोग को कॉल किया तो उन्होंने कहा मैंने कहा क्या बैंक जाने की जरूरत है मैंने उन लोग को साफ साफ बोल दिया था मैंने कहा ठीक है मैं बैंक जाती हूँ मैं देखती हूँ क्या मामला है तो फिर बैंक वालों ने बोला कि नहीं कर, मतलब बैंक मैनेजर ने ही बोला कि कोई वो जरूरत नहीं बैंक जाने की और ये सारे इस तरह के फ्रॉड चल रहे अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने किया था इस तरीके से मेरा तो आधार कार्ड शेयर भी हो गया उस पे एफ आई आर भी बना दिया और नंबर भी उनके पास है उनके पास सब डिटेल है वो हाँ थे वही थे तो हुआ मेरे हुआ। को तो सर उन्होंने फोन किया मेरा मतलब है कि ये इस तरह की हुआ क्या है कि अभी हमारे घर में कुछ लैंड का काम हुआ था मतलब सेल आउट किया था तो प्रॉपर्टी मेरे अकाउंट में आई थी तो जब पैसे आते हैं तो जो स्कैम वाले होते हैं ना तो उनकी निगाह रहती है तो फिर ये काम करना शुरू कर उसके बाद से मुझे फ्रिक्वेंटली इस तरह कॉल आती है या कॉल करके आएगा की आपके सारे नंबर दो घंटे के अंदर बंद हो जाएंगे इस तरह के फालतू की चीजें तो ये चलता रहता है तो सारे केसेस

नहीं नहीं उन्होंने खाते का, खाते का का वो किया बोला लास्ट फोर करते ही नहीं उसको ऑनलाइन मत, तो उसको. तो उसको मत करो मेरे हिसाब से क्योंकि वो दोबारा इस तरह की कोई ना कोई और फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ क्योंकि मालूम पड़ गया खाते में पैसा है तो इसलिए वो वापस आपको उस तरह का कोई ना कोई करके उस उस तरह का ऐसे तो चली नहीं तो, ही तो तो नहीं सकते ना ना अभी हमें ऑनलाइन ऑनलाइन करना ही पड़ता है हर काम कर कोई और खाते खाते रख लो एक एक अलग से इस, उस खाते को को दो आप एक खाते को. वो आपका बात सही है लेकिन अभी क्या है ना अलग अलग जगह का खाता है ना उसको ऑनलाइन रखना ही पड़ता है नहीं तो... तो मैं तो सर मेरा अनुभव बता रहा हूँ इस तरह की भाई जाए वो वो मैनेजर है उसने ये कहा कि आप ऐसा करो मामा जी इसको एक खाते को इसको जो पेमेंट वगैरह आता है सारा पेमेंट आया था अभी रिटायरमेंट का पेमेंट भी उसमें पड़ा हुआ है तो उसको सारे को मैंने उस तरह से उसको ऑफलाइन कर दिया उसको ऑनलाइन किया ही नहीं दूसरा खाता उसमें पैसे पे, डाल लो और उससे लेन देन करते रहो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको उनको मालूम पड़ गया उस तरह का ना तो आदत खराब होती है उस तरह उनको यह मालूम पड़ेगा यार यहाँ तो यहाँ माल है इसको किस तरह से निकाला जाए तो वो अभी तो बैंक वाले का मैं बताऊंगा ना कि ऐसा मेरे को आया आप इसको ध्यान रखना सिक्योरिटी नहीं में रखना लेकिन मुझे ये कहना है कि मेरे ना जो खाते हैं उसमें मुझे ऑनलाइन काम रहता है ट्रांजैक्शन रोज रहता है मेरे को मैं उसको ऐसे ऑफलाइन नहीं कर सकता हूं और खाते में डालो पैसा वो अपना जो कुछ डालना है अपन को एक्स्ट्रा पैसा करंट अकाउंट है ना, सर करंट अकाउंट है कुछ अलग अलग है मेरे उन्होंने सबसे टेंशन वाला बात है कि मेरा आधार कार्ड कैसे निकाला अखबार में आदमी मतलब उस, उस, उस को उन्होंने ट्रैक कर लिया बिल्कुल मतलब कुर्सी पर बैठा सारा कुछ कर रहा जब तक उसको सारा कुछ पे पेमेंट पेमेंट डालना डालना चालू कर दिया चपट लग गई उसके बाद में उसको मालूम पड़ा कि मेरे साथ इस तरह का हो गया मैं रहा कि वो क्या करते तो हैं मैंने अपना मैंने बाकी डिटेल थोड़ी ना दिया मैंने ऐसे कुछ थोड़ी ना बताया उनको मैंने जो अकाउंट में पैसा है ये सब भी उल्टा उल्टा बोला ना मैंने सही अकाउंटा आपका बात सब सही है सर लेकिन मेरा गूगल पे फोन पे उससे लिंक करना ही पड़ता है ना सर नेट बैंकिंग ये सब करना ही पड़ता है कुछ ऐसे काम है आज के जमाने में पुराने जमाने जैसा नहीं कर सकते है पैसा का डिटेल नहीं दिया है ना ओटीपी है ना कुछ है कुछ भी नहीं है अभी करने वाले तो करेंगे ही ना अभी एक और मैसेज देखे मैंने अभी भेजा है वो अकाउंट नंबर भी नहीं आपको पता चलेगा उड़ा लेते हैं वो लोग ऐसा बहुत फ्रॉड चल रहा है ये भी है ये भी ये, ये, ये मैं कह रहा हूं, इस तरह का फ्रॉड भी है मतलब आपके पास कुछ भी नहीं आएगा और पैसा उड़ जाएगा खाते में हाँ, वो अभी देखिए ना मैंने भेजा है ग्रुप में मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पैसा है हाँ बराबर सही बात है मैं उसका कुछ प्रिकॉशन पूछता हूँ बैंक वालों से कि क्या करना चाहिए ठीक है तो अभी हमने डायबिटिक रेटिनोपैथी पे बात करते हैं नहीं और ऐसे भी मैं पैसा कम रखता हूँ बैंक में ना पैसा कम हूं, लेता हूँ सब निकाल ही लेता हूँ ज्यादातर वो निकालेंगे भी तो कितना नहीं उनको कुछ मिलेगा नहीं मैं ऐसे बैंक में रखता ही नहीं हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोग के साथ कुछ बुरा ना हो जाए इसलिए हमें ऐसी बातें करनी चाहिए वो सारे लोग बताते नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया हमको बेवकूफ बनाया गया चलिए आज हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी पे बात करेंगे डायबिटीज मिलाइटिस जो है ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है आज के जमाने में तो इससे बड़े बड़े बीमारियां भी हो रही हैं तो पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रहा है आजकल तो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं डायबिटीज की वजह से डायबिटीज शुगर अगर ज्यादा रहे तो आंखों पे उसका असर होता है क्रॉनिक रहा डायबिटीज तो तो कॉर्नियल एबनॉर्मलिटीज रहती है ग्लोकोमा होता है आयरिस न्यूवेस्कुलराइजेशन होता है कैट्रेक्ट होते हैं न्यूरोपैथीज होते हैं तो इसमें यह रहता है कि मॉडर्न साइंस को तो मालूम नहीं है कि डायबिटीज की वजह से डायट्रीनोपैथी कैसे होती है लेकिन आयुर्वेद मानता है कि जहां पर क्लेद है जलीय धातु है वहाँ पे सड़न होती है धातु शिथिलता है मज्जा धातु पे होता है और होती है। वहाँ की उसमें डिफॉर्मिटी है क्या प्लेटल एग्रीगेशन करते हैं आरबीसी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे क्या वो सब चेक करते हैं तो आयुर्वेद में हमें देखना चाहिए कि इसमें हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो क्या चिकित्सा दें तो हम लोग क्या करते हैं जो हमारा वृहद वास्का कषाय है सप्तामृत लॉ है फिर त्रिफला, त्रिफला है कैशोर है है सूक्ष्म त्रिफला ये सब चीजें जो है ये आंखों को अच्छा करती है नस्य है और शुगर को कंट्रोल करना है और वसंत रस जो हम लोग शुगर की दवाई देते हैं वो ही देते हैं और आंखों को अच्छा करने की दवाइयां देते नस से देते हैं नेत्र तर्पण करते हैं जहाँ पे पर तर्पण करना है तर्पण जन्य व्याधि वहां संतर्पण करते हैं संतर्पण जन्य व्याधि वहां पे पर तर्पण करते हैं इस तरह से जब हम चिकित्सा करते हैं धात, धातुओं को बल देते हैं तो पेशेंट हमारा रेटिनोपैथी का ठीक हो जाता है आप लोग को एक केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं डॉक्टर हरिहर सर कोई केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं डॉक्टर हरिहर सर आप आवाज सुन रहे हैं शायद सर तक आवाज नहीं जा रही है वर्षा मैडम कोई केस बताना चाहती हैं आवाज तो आती है सर तो आप बताइए ना आपका कैसा दिन हुआ कुछ बताइए तो आपका बेटा का तबियत कैसा है ठीक है अभी खाना खाकर था बैठे बेटा हाँ ठीक है ठीक है और डॉक्टर चंद्रकांत जी चंद्रकांत पांडे जी आप कोई केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं आपके पास कोई पेशेंट आए डॉक्टर अभय सोनावने जी शशि मैम कोई केस बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं नेहा मैडम अभी सब लोग सुनने वाले हैं चलिए मैं कुछ और चीजें बताता हूँ हाँ बताइए बताइए अभय सर कुछ बोलिए हाँ उसका ए पॉजिटिव सी पी पॉजिटिव था हाँ। और बाकी उसके जब सब सिम्टम्स थे वो सब सिम्टे प्रकोप के हाँ। तो मैंने पूरा बचपन से हिस्ट्री लिया तो उसमें उसका प्रांस वीडियो ये सुबह छह बजे उठता था रात को बारह बजे सोता था कभी भी खाता एग्जर्शन भी था अभी आज तो हिस्ट्री टेकिंग लिया है अभी कल आने वाला है रिपोर्ट्स लेके तो वो बोलता है मेरे को मॉडर्न वाले तो एंकोलिजिंग स्पॉन्डिलिस बोलते है। और किसी डॉक्टर के पास नासिक में दिया है ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक उसका तो वेट लॉस इतना कर दिया है कि वो और तकलीफ में और ज्वाइंट पेन हो रहा अच्छा। <laughs> है उसमें एटी थ्री से सिक्सटी वन के हो गए छ महीने अच्छा उस तभी तो भी एरंडा का कुछ सायरप देता है वो पता नहीं उससे उसको लूज मोशन हुआ है। और दो तीन ही टैबलेट पर वो कुछ समझ में नहीं आ रही मैं बोला सामने लेके अभी वो तो फोटो लेके आया तो उसका उसका का हिस्ट्री था सुबह छह बजे उठता था छह से बाद में साढ़े छह से आठ साढ़े आठ बजे तक क्रिकेट खेलता था उसके बाद उधर ही कुछ कभी तो बाहर नाश्ता करता था कभी इडली कभी डोसा कभी मिसल पाव कभी वड़ा पाव ऐसा कुछ भी बाहर खाता था ग्यारह बजे जाके नहाता था फिर वो बेकरी का इसका काम करता है तो वो, करने के बाद वो तीन चार बजे खाना खाता था उसके बाद भट्टी के पास काम करता था ग्यारह बारह बजे खाना खाता था फिर सोता था ऐसा उसका प्रॉपर हिस्ट्री था और उसका कुछ तो भी एक्सीडेंट में सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डे उसको डिफ्यूज हुए थे कुछ हम्म तो उसके बाद उसका एंकोलिजिंग बोला है अभी उसने बोला पत पत्ते मैं बोलेगा वैसा करेगा तो ही भाई ट्रीटमेंट दूंगा आगे तुमको नहीं तो नहीं जमेगा बाबा जी अभी तो क्या है डिटेल्स तो आपको क्या लगता है ये वो तो एसीसीपी पॉजिटिव था आ तो निगेटिव है उसका पर उसको पहले कैसे अभी तो वेट लॉस है पेन में सिर्फ लंबर में उसको है आता सब उसको अभी कभी कभी, कभी थाई में आता है, कभी कभी शोल्डर जॉइंट में आता है, है। क्योंकि वो डॉक्टर ने क्या दिया आयुर्वेद वाले ने माला उन्हें वो आमवाद के ट्रीटमेंट से उसको दिया है उसने उसके बाद में उसकी क्षय की संप्रप्ति वही है तो उसका क्या बढ़ गया है क्या वो दवाइयों लेने से पेन नहीं उसको तो पर अभी मॉडर्न वाले भी का कुछ तो भी एक टेबलेट चालू है और ये अभी आयुर्वेद वाले ने भी ऐसे कुछ दिया है उसके बाद उसका छह चार पांच महीने तक उसको वो लूज मोशन होता था दिन में चार साल का तो ये रंडा का कुछ तो भी स्वराज बोल रहा था भी यार नहीं तो रेड फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है पॉजिटिव है फायदा ही नहीं है वो वापस मेरे पास आया अभी तो सर आप वो सब दवाई बंद करिए आप अपना हिसाब से दीजिए ना दीपन पाचन अनुलोमन मैं तो वही को बोला है उसको अभी पर भी कल आता है बोला है मैं तो कंसल्टेंट लेके छोड़ दिया वो बोले महीने का कितना खर्चा है मैं बोला तुम मेरे सब पालन करेगा तो ये आगे बढ़ो नहीं तो क्या फायदा अपन दवा देंगे वो कुछ नहीं करेगा अपने सब से मैं तो वही देने वाला दस दस देने वाला वाला था उसको गोली तीन टाइम भी पकड़े और आमवाद का तो अभी उसको कुछ मेरे को सिम्टम दिखाई नहीं उसमें तो सब वाद पर पक यारे यार तू सब वही दिखाई और उसको स्टूल का है चिप चिप आता है स्टूल ये बर्तन को चिपकता है बांस मारता है ये तो आम के लक्षण है उसके पास जीवा भी शाम है उसकी हम्म अभी तो कल से बात करूंगा वो आएगा तो मैं बोला है उसको तुम देखो तुम करना हुआ तो आ जाओ तुम्हारे हिसाब से है हम्म देखते हैं रिपोर्ट विपोर्ट लेके आएगा वो, वो एक एक्सरे का एक फोटो लेके आया था उसमें दिख रहा था एल फाइव में कुछ डैमेज है और सर्वाइकल में भी ऐसे पूरा कुछ भी उसमें ये नहीं है गैप नहीं है और उसको वो जब डिफ्यूज हुए थे तो वो फॉरेन बॉडी ऐसा वो के रिंग्स डाले उसको उसको हाँ। तो उसकी वजह से भी उसको पेन होता होगा नर्व स्पाजम होती होगी तो उसको भी आप अपना इलाज करिए सर दूसरे से हाँ। फायदा नहीं हुआ आपके पास है तो आप अच्छा क्वालिटी का जब... तो आपका तेल मंगाने का उसको नस से बोला है पहले हाँ मैं बोला देखो महंगा तेल आएगा तुमको करना होगा तो पहले और तो पेन हो रहा है वहां पे वो पेन वाला तेल का करिए अभ्यंग बहुत तो अच्छा रिजल्ट आएगा हाँ वो भी करूंगा लेकिन अभी वो तो आप देखते हैं वो मैं बोला उसको अभी क्या करता देखता हूँ आगे हुँ। आज तो ये केस आया है मेरे पास हम्म अभी क्या है ना सर अभी आया है उसके साथ हाँ। तो अभी बीस तारीख को उस... वो वाला मैं बीस तारीख के आके दे देता उसके हाथ के दोनों हाथ के पूरा बा, बा, ये हो गए क्या बैंड हो गए हो मूवमेंट्स की तकलीफ है उसको कंप्लीट वो मॉडर्न का कुछ भी ले रहा है ग्राम तक दवा ले रहा है उसके भी का कुछ फायदा नहीं हो उसको अभी सर आपने जैसे मुझे दवाई मंगाया तो आप तो गूगल पे से भेजेंगे या फोन पे तो मुझे तो ऑनलाइन रखना ही पड़ेगा ना अकाउंट को मैं उसको वो ऐसे बंद तो ना कर सकता हूं और ऐसे डर डर के थोड़ी हम लोग जिंदा रहेंगे कि पैसे उड़ जाएंगे पैसे उड़ेंगे उड़ाएंगे तो उड़ाएंगे उसमें क्या है फिर आ जाएंगे जहां पे सांस बोल के सांस बोल के कुछ तो भी टैबलेट अच्छा ये डबल ए ज़ेर सांस बोल के हाँ, अपने टेंशन में मैं अपने टेंशन में हूँ हाँ ठीक है ठीक है वो मॉडर्न वाले का वो टैबलेट लेता है टू ग्राम पर डे हाँ खाने के बीच में जी तो सर आप अपना इलाज करिए अग्नि को बढ़ाइए आम का पचन करिए शोधन, शोधन तो हो जाएगा ठीक है सर हाँ मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मुझे ऑनलाइन तो अपना अकाउंट रखना ही पड़ता है ना गूगल पे वो वो तो तो पड़ता है मोदी जी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं मोदी जी ने पूरा वो कैश बंद कर दिया ऑनलाइन ही सब डिजिटलाइजेशन कर दिया है और हम लोग जो सिटी में रहते हैं वहाँ पे कैश कोई रखता ही नहीं है दुकान वाले भी नहीं रखते हैं ऑनलाइन ही सब चल रहे है बहुत प्रॉब्लम होता है कैश ही नहीं है किसी के पास ब्लड कैंसर का केस है हाँ सर उसको लेने लेने के लिए कह रहे थे वो अभी उन्होंने अभी डिटेक्ट हुआ है तो, तो उसको किस तरह से मतलब आप, आप केस लीजिए सर बहुत मजा आएगा आप केस लीजिए मैं आपको बताऊंगा सत्ताईस साल का बच्चा है हाँ सर और अभी डिटेक्ट हुआ उसको परसों हाँ सर। अभी उसने कल आज जयपुर भी कराया जयपुर में भी हो गया उसका ब्लड कैंसर का तो वो मॉडर्न का है ना की लुक्योमिया डब्ल्यू बढ़ रहा है प्लेटलेट बढ़ रहे हैं तो आप तो अपने उससे कर देंगे ना उसकी पूरा सिस्टम पूरा है, है, है तनाव भी है कि पढ़ता था, वो तैयारी कर रहा था जयपुर में हाँ। और खाने पीने का सिस्टम बनाता था मेरे साथ कच्चा पक्का खाता था शायद हो सकता है फोन वीडियो वगैरह उस तरह का भी देखता हो इस तरह का भी रिपोर्ट उसकी मिली है मुझे वो अपने बच्चे बच्चे का साथ का उसका फ्रेंड फिर कहा पापा से बात कर लो मैं ऊपर बा, बात करूंगा बाद उस केस को आज की में या नहीं लेंगे या नहीं आप नहीं केस ले लीजिए और उसको ठीक भी आप करेंगे आपका पूरा नाम हो जाएगा मैं आपको सब बताऊंगा लेकिन पहले केस टेकिंग की ज्वर का हिस्ट्री है क्या उसका अग्निमंद है तो क्या है प्रॉब्लम पहले उसको क्या था उसको रक्तपित हुआ था विसर्प हुआ था मिज़ल्स हुआ हुआ था था चिकन पॉक्स हुआ था, क्या हुआ था वो पूरा फिर था हाँ एक्जेक्टली exactly. तो अभी वो आपको ये देखना है की विषम ज्वर है अगर था उसको दिन में दो बार आता था एक बार आता था तो वो मासगत था कि रक्तगत था अगर वो बोलेगा कि दिन में दो टाइम आता था दिन में एक बार रात को एक बार तो वो रक्त, तो रक्त पाचक सबसे मेन दवाई है 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 इसमें होता सर 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 ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग केस मजा आ जाएगा आपको है, पर है, सर। कुछ थोड़ा सा उससे कि पेशेंट एलोपैथिक के साईस साल का मात्र

हाँ ठीक है मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कल बताऊंगा ठीक सर सर आप ऐसे चैलेंजिंग चैलेंजिंग से केसेस लीजिए मजा आ जाएगा बहुत सर कोशिश तो पूरी करता हूँ लेकिन कभी कभी है कि गांव गांव में रहते हैं तो थोड़ा सा मैं मन भी करता है की चैलेंजिंग केस लोग मिलते भी ज्यादा आए हाँ और लेकिन समस्या कई बार ये सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो बिगड़ेगा तो दिक्कत भी खूब होती है सर ऐसे नहीं होगा नहीं बिगड़ेगा हम अगर अच्छा डायग्नोसिस करेंगे तो हमेशा अच्छा रिजल्ट आएगा पॉजिटिव सोचना चाहिए अब ये अभी करीबन यहाँ से आठ दस किलोमीटर दूर है हाँ। तो करीबन हाँ। और उसको फीवर आ रहा था करीबन बीस पच्चीस और उसके लीवर, लीवर में भी दिक्कत है और फेफड़ो में भी दिक्कत है और उसके ब्लडर में भी दिक्कत है तो मैंने उसको तीनों को सोच के उसको तिरुवन कीर्ति और पहले तो संजीव ने बुतलाई उसको तो उससे उसका फीवर तो कम हो गया अभी फिर मैंने उसको जयमंगल रस और गुरुचि सत्र चंद्रप्रभावती और साथ में एक स्वर्णयुग दिया था मैंने मृतवा चिंतामणि उनको चला के और साथ में अमृता अमृता और एक और सिरप दी थी मैंने कुछ को भूख के लिए और एक ये आपने एरन हरित की दिया था श्याम को नहीं। तो उसको आराम चैलेंजिंग इस तरह के केस तो आते हैं कि अब तो बीमार के लिए मरने के लिए पटक रखा था उन्होंने तो भाई ये मर जाएगा महीना दो महीना चार महीने में और पर तो मना कर दिया भैया मुझे तो इलाज होगा नहीं जी लेकिन अब ये केस जो है ब्लड कैंसर का नया छोरा सता है ब्लड कैंसर आयुर्वेद के सबसे रक्त की दृष्टि है ठीक हो जाएगा मैं उसको आग, रिपोर्ट तो अभी डाल देता हूँ आपको फिर कल उसको बुला के उसकी हिस्ट्री लेके फिर आपको बताता हूँ जी सर जी थैंक यू सर थैंक यू सर आप लाइए तो केस हम सॉल्व करके दिखाएंगे वो पेशेंट भी बोलेंगे वाह क्या आयुर्वेद है पूरा ठीक हो गया जी डॉक्टर हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं जी सर एक माइनर थैलेसीमिया का है पेशेंट लड़की है हाँ माइनर है ना तो ठीक हो जाएगा सर हाँ माइनर है और उनको उनका एचबी कितना रहता आ, उसके एस बी आठ नौ वो हो जाएगा उसमें हमें पूरा पांडु की चिकित्सा करना पड़ेगा जी सर लेकिन आप थोड़ा केस को अच्छे से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर जी। मैंने उसको बोला है लेकिन अभी तो मैं राजकोट आ गया उसी दिन ही बोला था कि आप हाँ। कभी भी नौ बजे आ जाओ शाम को हाँ दूर के गांव के है तो आ जाएगी दस किलोमीटर दूरी पे है हाँ मेरे ख्याल से मंगलवार बुधवार के दिन आ जाएगी ठीक है आने दीजिए। करेंगे तो 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 अभी सब आप बैंक का कह रहा था ना वो सोनी नहीं। हाँ। जिसने हाँ, दवाई मंगवाया है हाँ, उनका एक गेस्ट उनके घर वहां बैठा था उसी दिन ही हमने आपको दोपहर को फोन किया था हाँ, तो वो बोलता था उसको जीरो जीरो प्याज से लोन लेना है तो फोन पर बात कर रहा था हाँ। थोड़ी बार सब तो सबको फिर यह फॉर्म भर दो ये फॉर्म भर दो फिर अच्छा तो हो गया है चलो पंद्रह सो रूपया डाल दो पंद्रह सो रूपया डाला फिर हाँ। बाद में बोला अभी ये तो काम हो गया अभी पच्चीस सौ रूपया इस खाते में डाल दो ऐसा हाँ। करके सर उसने बाईस हजार रूपया लिया उनके पास अच्छा और फिर लोन नहीं हुई <laughs> सब गया हाँ। उसी दिन बाद पाँच दिन की बात हो सर ये बहुत अभी चल रहे ऑनलाइन तो थोड़ा सा अभी क्या है मोदी जी ने पूरा कैशलेस बंद कर दिया है आप पुना में आएंगे ना सर कोई कैश में सब्जी वाले भी सब्जी नहीं देते हैं मतलब दुकान वाले गूगल पे करो फोन पे करो अभी हमें ऑनलाइन पे काम करने हैं तो जितना ये टेक्नोलॉजी आ रही है तो फ्रॉड भी आ रहा है इसमें अभी आपने देखा होगा कुछ पंद्रह बीस दिन पहले हो गया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ना वो पूरा सर्वर को हैक कर दिया था फॉरेन में हाँ। तो अमेरिका अमेरिका सब ये सब बंद पेपर में था ना सब हाँ तो ये अभी बढ़ रहा है ये सब साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है अभी पूरा अमेरिका यूरोप सबको वो हैक करते हैं तो कितने उनका दिमाग क्या तेज होगा और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होते हैं वो सब करने वाले तो ये गिरोह रहता है सब तो सर अभी के लिए कुछ कुछ दवाइयां हैं वो मैं बहुत सारी दवाइयां बताऊंगा मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ जैसे हमने कल दवाइयों पे बात किया था वैसे ही लेकिन कभी भी पांडु की चिकित्सा करे की तो दीपन पाचन स्नेहन करना चाहिए जैसे दाढ़ी वगैरह स्नेहन करके शोधन करके तब ये लौह कल्प देना है तो मैं लौह और मंडूर कर बताता हूँ एक आता है अम्ल पित्तांतक लौह तो ये अम्ल पित्त पित्तजन्य शूल होता है माइग्रेन का शूल होता है गर्भिणी को वमन होता है यकृत की बीमारी होती है पेट में जलन होती है पेट दर्द होता है पित्त के विकार में अम्ल पित्तांतक लौह बहुत अच्छा काम करता है एक होता है ताप्यादी लौह ये पांडु रोग रक्ताल्पता विषम ज्वर मलावरोध जहां रक्त का प्रसादन करना है जैसे कि पैरालिसिस है ब्रेन में इंफेक्शन है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है रक्त वाहिनियां सिकुड़ गई हैं, वहां पे ताप्यादी लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और कृमि रोग त्वचा के रोग

तो ये पेट साफ करता है धात्री लॉ तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह को भी ठीक कर देता है एक होता है नवायस लॉ ये रक्ताल्पता है एनीमिया है थैलीसीमिया है यकृत और बाल के रोगों बच्चों के रोगों की रक्ताल्पता है पांडु कामला हलीमग मंदाग्नि शोथ मंद ज्वर दुर्बलता इनसे बहुत ही बहुत अच्छी प्रसिद्ध महाषधि है एक आता है प्रद्रांतक लौ ये स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है एक है पुनर्नवादी मंडूर ये शरीर में सूजन शोध रोग में बहुत गुणकारी है एक होता है मेधोर विडंगादी लोह मेधोर विडंगादी लोह चर्बी और मोटापापन कम करती है एक होता है यकृत प्लिहारी लोह यह की लीवर और स्प्लीन की सारी बीमारियों में काम करता है एक होता है शोथारी लोह यह शरीर में कहीं पर भी सूजन आ गई है और दीपन पाचन कफ नाशन करना है रक्त को बढ़ाना है तो शोथारी लोह का प्रयोग करते हैं एक होता है शोथारी मंडूर यह शोथ रोग में लोह से ज्यादा अच्छा मंडूर है क्योंकि वो इजिली डाइजेस्टेबल है शोथारी मंडूर का प्रयोग करते हैं एक होता है शिला जत्व आदि लौह यह रक्तशह खून की कमी जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है एक होता है सप्तामृत लोह यह आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है और सप्तामृत लोह में त्रिफला है यष्टि है लोहबस में इसका हम लोग बहुत ज्यादा बीमारियों में प्रयोग करते हैं बहुत अच्छा फायदा करता है रसायन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं एक आ, कोई कंपनी है जो सप्तामृत लौह का अवलेह बनाती है तो वो आंखों के लिए रसायन अगर दो तीन साल तक लिया जाए तो आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं ऐसा उनका क्लेम है कंपनी का एक होता है आ, सर्व ज्वर हर स्वर्ण सभी प्रकार के ज्वरों में उपयोगी है जीर्ण ज्वर में रक्तालपता वगैरह है तो उसमें काम रहती है और वृहत के अलावा एक नॉर्मल सर्व ज्वर हर लोह है वो हबित सब तरह के ज्वर में काम करती है फिर एक आती है अग्नि तुंडी वटी ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है पेट में वायु बहुत ज्यादा है तो उसको ये ठीक करता है लेकिन पित्त प्रकृति वालों को तुंडी नहीं देना चाहिए तो पल्स रेट अग्नि तुंडी में है। को बहुत उपयोगी अच्छा है एक होता है, है।, है एलादी वटी एलादी वटी एक पुरानी खांसी में रक्त पित्त में जी में घबराहट आदि में बहुत उपयोगी रहता है एक होता है कांकायन बटी कांकायन बटी दो टाइप का आता है एक गुलमरोगाधिकार का एक अर्श रोगाधिकार का अर्श रोगाधिकार वाले खूनी और रक्त स्त्रावी जो बवासीर है अर्श है उसमें काम करते हैं गुलम वाला गुलम में काम करते हैं एक आता है कर्पूर आदि वटी ये मुंह में छाले पड़ते हैं मुंह से बहुत बदबू आ रही है दांतों से बहुत ज्यादा पीप निकल रहा है मतलब पायरिया हो गया है मसूड़े फूल गए हैं अन्य मुख रोग में कर्पूर वटी बहुत अच्छा काम करते हैं एक आता है कुटज घनवटी ये अगर ज्वर युक्त अतिसार है संग्रहणी रोग है या फिर बवासीर है या अब में डिसेंट्री है आओ मरोड़ मरोड़ के ऐसे लूज मोशन हो रहे तो उसमें कुटज घनवटी बहुत अच्छा काम करता है एक होता है खदीर आदिवटी ये स्वर भंग खांसी और मुंह में छाले पड़ते हैं उसमें खदीर आदिवटी का बहुत अच्छा उपयोग होता है एक होता है चंदन आदिवटी अगर यूरिन में बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है तो चंदन आदिवटी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है एक आता है चंद्र प्रभावटी ये सभी प्रकार के मूत्र विकारों को दूर करता है स्त्री और पुरुष दोनों के लिए उपयोगी होता है एक होता है चित्र का दिवटी ये आंग्रहणी है अपच है, है उसको चित्र का दिवटी बहुत अच्छे से ठीक कर देता है एक होता है प्रभाकर वटी ये वाद वाहनों की विकृति हो रक्ताल्पता हो आदि को ये दूर कर देता है एक होता है ब्राह्मी वटी।, वटी दो होते एक स्वर्ण मोती युक्त रहता है या जो मानसिक बीमारियां है वात विकार है दिमागी कमजोरी है उन सब में ये वटी बहुत अच्छा काम करता है एक सादा वाला ब्राह्मी वटी होता है जो स्मरण शक्ति बुद्धि वृद्धि के लिए श्रेष्ठ होता है एक होता है मकर ध्वज वटी यह बल स्फूर्ति शक्ति और कांति को बढ़ाते हैं स्वर्ण मकर ध्वज वटी उससे ज्यादा ताकतवर होता है स्वर्ण युक्त रहता है एक होता है महाशंख वटी यह अजीर्ण और मंदाग्नि मूलक सभी रोगों में लाभप्रद है एक होता है वटी सूखी खांसी गले में खराबी है खांसी है इन सब में वटी का प्रयोग होता है एक होता है रजा प्रवर्तनी वटी जब मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो हम रजा प्रवर्तनी वटी दो तीन दिन के लिए देते हैं बहुत अच्छा फायदा होता है एक आता है वटी जो छोटे बच्चे होते हैं ना वटी स्वर्ण केसर और मोती युक्त गोरोचन युक्त रहता है ये छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है उनको रिकेट्स है दूध पचता नहीं है पतले दस्त हो रहे हैं खांसी है हृदय और मस्तिष्क कमजोर है तो मुक्तादिवटी बच्चों के लिए देते हैं एक होता है लवंग आदि वटी खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है चूसने के लिए देते हैं एक आता है मंदाग्नि अजीर्ण उदर शूल में बहुत अच्छा काम करता है एक आता है वृद्धिवादी का वटी ये आंत वृद्धि अंड वृद्धि इनमें बहुत उपयोगी रहता है एक आता है वटी स्वर्ण ये बहुत शरीर को ताकत देता है यादगाश को मजबूत करता है रसायन है एक आता है शंख वटी ये अजीर्ण मंदाग्नि पेट दर्द में बहुत अच्छा काम करता है यह कहते हैं व्योषादी वटी ये फ्लू है सर्दी जुकाम नजला खांसी स्वर भंग में उपयोगी है एक आता है शुक्र मातृका वटी अश्मरी में बहुत अच्छा काम करता है जिनको लो स्पर्म काउंट है मोटिलिटी कम है उसमें शुक्र मातृका वटी देने से अंड ग्रंथ को ताकत मिलती है शुक्राणु बढ़ते हैं रक्ताणुओं की वृद्धि होती है एक आता है शूल वज्रनी वटी पेट दर्द में जब उधर शूल है उसके लिए शूल वज्रनी वी बहुत अच्छा काम करता है आम बात पांडु कामला में बहुत उपयोगी रहता है एक आता है संशमनी वटी ये ज्वर पित्त विकार संशमनी वटी में गुड़ूची होता है तो ये ज्वर के बाद कमजोरी आता है हृदय की कमजोरी रक्त विकार अम्ल पित्त में बहुत लाभकारी होता है एक आता है संजीवनी वटी ये अजीर्ण मंदाग्नि ज्वर गुल्म पतले दस्त इन्फ्लुएंजा निमोनिया सर्दी जुकाम में बहुत लाभकारी होता है आता है सर्पगंधावटी जो निद्रा को उत्पन्न करता है जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए सर्पगंधा सर्पगंधावटी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है मानसिक विकार बड़े बड़े हाई बीपी ये सब सर्पगंधा सर्पगंधावटी से ठीक होते हैं लेकिन कुछ पेशेंट को सर्पगंधा से हीट बढ़ता है उनको सर्पगंधा सर्पगंधावटी नहीं सूट करता है उनको बाबा रामदेव का जो मुक्ता मुक्तावटी है वो देते हैं मुक्ता मुक्तावटी दो दो गोली देने से बीपी तो कंट्रोल होता ही है पेशेंट का पेट साफ अच्छे से होता है मतलब जिनको अनुलोमन नहीं हो रहा पेट साफ नहीं हो रहा उनको मुक्तावटी से बहुत अच्छा फायदा होता है एक आता है सारीवादी वटी कान की हर बीमारी के लिए सारीवादी वटी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए डॉक्टर वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप हाँ सर आपको कैसे मालूम हुआ मैंने आपको देखा हाँ ग्रुप पर ना मैंने एक रिपोर्ट डाल दिया है सर फिफ्टी नाइन एज वाले एक मेल पेशेंट है हाँ। और उनको बैक बैक पेन पेन हाँ लो है सर और महीने में एक दो बार दुबता एम आर है वो और बहुत ज्यादा फिरना पड़ता है टू व्हीलर फोर व्हीलर में अभी तो रिटायर है मगर एल फोर एल थ्री के बॉडी को न, तो वो आपके साथ है क्या मैम उनका केस करते हैं ना नहीं है सर वो सांगली में है मिरल्स में है वो तो पीछे से हाँ। आवाज किसकी आ रही है डॉक्टर कानड़े है सर अच्छा अच्छा हाँ, हाँ। वो हमारी स्नुषा है ना उसके बाबा पिताजी है वो। अच्छा अच्छा हाँ आपकी बहू के पिताजी हैं हाँ सर हाँ हाँ तो आप रिपोर्ट तो, भेजिए ग्रुप में अगर हाँ, ग्रुप पे अभी भेज दिए अच्छा नहीं तो, तो आपके पर्सनल पे डाल क्या हाँ, मेरे को नहीं आया अभी पता नहीं क्यों नहीं आया नहीं पर्सनल में नहीं डाला ग्रुप में डाला सर मतलब मेरे मोबाइल में नहीं आया मेरा मोबाइल जैसे मोबाइल खुलो ना इतने सारे मैसेजेस हर ग्रुप में भर जाते हैं एक दिन तो मैंने पचास हजार मैसेजेस डिलीट किए पता आपको नहीं पूछा मैं बोली पूछ के आपको भेजू क्या आप भेजिए क्या टाइम कैसे रहता है इतने दिन रात मैसेजेस आते हैं ना हर ग्रुप में फुल हर ग्रुप में फुल इतने मैसेजेस दिन रात मैसेजेस चौबीस घंटे लोग ना केवल मैसेज में ही टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा आप तो आप थक गए होंगे ना कल ग्यारह बजे तो सेशन लेने वाले हाँ, लेने वाले हैं हैं ना आप लो, आप लोग चाहती कि बस्ती पे हो सेशन आप चाहती हैं क्या हाँ मैं बिल्कुल चाहती हूँ सर हाँ तो हम कल लेंगे आप लोग जो हाँ, भी जो भी टॉपिक पे चाहते हैं सेशन वो आप बता दिया हाँ, करिए टॉपिक पे होगा हाँ सर अरे प्लीज सर आप पर्सनल ये रिपोर्ट देख लीजिए ना प्लीज अभी आपने कहा भेजा ग्रुप पे भेज दिया है हाँ अभी मैं खोल के आपको एक मिनट में बताता हूँ और वो आपके वो ठीक हो गए काका जी पूरा नहीं मैं कल परसों काका जी के घर में जाके आपको दिखाने वाली हूँ सर अच्छा तो इसमें देखिए क्या आ फाइंडिंग्स देख रहे हैं तो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस हाँ है ना करेक्ट एल फोर एल थ्री में कुछ ना कुछ तो एंटेसि करेक्ट और उठना हो हो बैठना चलना फिरना बहुत तकलीफ हो रहा है नहीं अभी तो कुछ नहीं अस्थि है वो बहुत तो पेन ज्यादा नहीं है वो टॉलरेट कर रहे हैं लेकिन इनको ना पूरा पंचकाम करना पड़ेगा आपको कट्टी बस्ती भी देना पड़ेगा आपको मात्रा हाँ। तिक्तक शीर बस्ती गूगल हाँ। स्वर्ण कल्प सब देना पड़ेगा आपको हाँ सर टैबलेट में क्या दे दू सर आप टैबलेट में और नस से भी देना पड़ेगा क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिल हाँ। है थोड़ा सिक संबोल हाँ। संबोल है स्पाइनल कार्ड स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस है नस से और बस्ती गूगल तिक्त रितम नारसिंह रसायन तो देना ही पड़ेगा अच्छा इयर्स okay, अभी अभी, अभी, के हैं तो इनका बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ेगा अगर ध्यान नहीं दिया तो हाँ. आपने दीपन पाचन अनलोमन दीपन पाचन पाचन से स्टार्ट करिए पहले फिर उसके बाद गैशोर गुगुल वो दीजिए और बोलिए कि एक साल तक लेना है एक दिन शीर बोला तिल का मात्रा

हाँ पर पर मंथ एक से दो लीटर तक से जाएगा ना तो उनका हाँ. निहन हो जाएगा ऊपर से नीचे तक आपको याद है डॉक्टर अनुरिता मैडम मैडम उनको ये था अभी इस महीने नहीं आई है तो उनको ना पूरा ये हो गया था कालियोसिस फिर लंबा स्पोन्डिलोसिस तो मैंने एक साल उनको नस्से दिया टार्चर बॉटल ड्रॉपर भर के हुँ. वो मैम इतना अच्छा हो गया अभी मुंबई और पुणे में अप डाउन करती हैं वहां पोदार मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रही हैं और क्रिकेट भी हैं नाइट विजन भी ठीक हो गया एक साल नस नस्य। से कंटिन्यू दिया तो, तो कितना हुआ साठ एम एल नस से पर डे गया ऐसे एक साल गया तो कितना हो गया उनको उतना तेल जब गया तो कितना स्नेहन हो गया चालू करेंगे उनको हाँ तो उतना कर देती हूँ उनको चालू करती हूँ सर हाँ कम से कम हाँ, 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 हाँ पाचन के लिए क्या दे दू दीपन पाचन के लिए आरोग्य वर्धनी वटी लसुन आदि वटी आम पाचक वटी आपके पास आम पाचक वटी है क्या हाँ सर एक कंपनी की हाई मगर बहुत है मगर नहीं तो आपकी लेके ले भेज ले, दूंगी ले, उनको हाँ मैं करती हूँ सर आपको कांटेक्ट हाँ उनको अभी देखिए मैंने एक कैलकुलेशन किया कि साठ हाँ। आ, कोई नस से ले रहे और अंदाज हाँ. से तीन सौ दिन ले रहे तो उसके हाँ. बॉडी में नस से कितना जा रहा है अठारह लीटर नस से गया अनुरिता हाँ, के नाक में अठारह लीटर हाँ. नस से जाएगा तो पूरा पूरा वर्टिबल कॉलम को कितना स्नेह मिला हम्म नासा ही शिरसो द्वारम हाँ, लेकिन वो नीचे नीचे भी गया पूरा पूरा ठीक हो गया उनका अच्छा हो गया ना हाँ, डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं गंगवार सर, सर, हाँ, सर। देखने तो उसमें कुछ आता है किसमें आम पाचन वर्ती में मेरे वाले में नहीं आता सर हाँ देखिए धनवंतरी वाले, देखी वाले की कि किसी के थे उसमें कुचला भी है वो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं आम पाचक के नाम पे कुछ भी बेचती हैं मेरे इसमें नहीं हाँ गंगवार सर आप क्या बोल रहे हैं सर हाँ सर मुझे तो मालूम करना है सर ये कह है रहे हैं सर आप जो वमन कल्प बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं सर वमन कल हाँ सर म, पिपली का हाँ, चूर्ण लेके आता हूँ और उसी का काढ़ा बना के और उसी की भावना देना है ट्वेंटी बार और एक बार भावना देके सुखाना है धूप में या घर पे सुखाना है फिर ऐसे 21 बार उसको सुखा देते हैं और वो पाउडर फॉर्म में रहता है लेकिन इतना पोटेंट इतना ताकतवर रहता है कि आप थोड़ा भी देंगे हरिहर सर को पूछे और उससे कोई व्यापत नहीं होता कभी भी जी सर काढ़ा का उसी को भावना देना है पाउडर फॉर्म में तो और सर इसे अगर क्या कहते हैं इसका काढ़ा बना के इसे दूध में बॉईल कर लें तो सर तो वैसे ही देते हैं ना हरिहर सर सर आप दूध में पका के देते हैं ना वमन का हाँ मैं दूध गर्म हो जाए फिर उसमें डाल के बस ले लेता हूँ ज्यादा नहीं पकाता और कितना एक बार बॉईल होके हो गया कितना डोज डालते हैं एक पेशेंट के लिए कितना ग्राम सर एक लीटर दूध में दस ग्राम डाला था और छ ग्राम बचा हाँ सर देखिए इतना पावरफुल होता है और हरिहर सर आपने पचास हाँ। लोगों को वमन किसी को भी कॉम्प्लिकेशन हुआ क्या उल्टी के टाइम नहीं किसी को भी नहीं और होता ही बढ़िया है सर और पेशेंट हंस हंस के जाते हैं कभी ऐसे कंप्लेंट नहीं करते हैं कि हमको ये हुआ वो, बमन कराना में सर, तो, वो तो है तो सब कुछ है तो सर मैं काढ़ा बनाकर उसे दूध में मोबाइल कर लू सर कर दीजिए आप जी सर तो आपके पास मदन फल का चूर्ण है कि पिपली का चूर्ण है मतलब उसकी मदन पिपली अच्छा आप करवाइए सर फिर हमें बताइएगा क्या रिजल्ट अच्छा हुआ। सर उसमें क्या हुआ सर मैंने उसे, ए, क्या कहते है शहर मिला के दिया थोड़ा पाउडर मोटा था तो आ, थोड़ी दिक्कत आई बाद में काफी देर बाद करीब आधे घंटे बाद उसे नोजिया फील होता रहा था तो एक साथ में तीन ममन आए तीन बेग आए सर और बिल्कुल पीला पीला निकला सर तो थोड़ा सा पेशेंट पेशेंट रेस्टलेस हो गया था उसमें थोड़ा सा अच्छा हाँ सर हमारे को तो नहीं होता कभी भी ऐसा हाँ, सर पूछा डिस्कस किया हमारे पिकले तो उनका बीज होता है हाँ, लेकिन वो किस तरह का मिल रहा है उस पर डिपेंड कर है वो इम्पोर्टेंट होता है दवाई तो सब लोग दे रहे हैं लेकिन रिजल्ट आना चाहिए पेशेंट हमारा घबराना नहीं चाहिए नहीं तो वमन करा रहे हैं चक्कर आ रहे हैं बेहोश हो गए तो क्या करेंगे खून की उल्टी आ रही है फिर क्या करेंगे डिहाइड्रेशन हो गया क्या करेंगे ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए चलिए आप गंगवार सर घृत पान करा के अच्छे से कराइए अच्छा हो जाएगा जी सर एक बार सर मेरा मदनफल पिपली चून यूज करके देखिए फिर आप फैन हो जाएंगे ओके सर सर आप ही का हूं। तो कल कल करना है है उसका उसका हो चुका है सर, ना कल उसका दे रखा है मैंने हाँ। अच्छा मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना है कि सब लोगों से जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं बाद में सुनेंगे यूट्यूब पे सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर ये अभी सेशन बंद हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना होता है पेशेंट रिलेटेड तो कभी कभी क्या होता है मैं फोन उठा नहीं पाता हूँ कभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज गुस्सा मत होइएगा एक बार अभी दो तीन दिन पहले की बात है कि कोई पटना की एक मैडम है जो आयुष दर्पण बहुत साल से देख रही है उन्होंने कुछ रिपोर्ट डाला आ, मेरे को पर्सनल पे तो मैंने कहा कि आप पढ़िए मैं बाद में बताता हूँ तो उनको इस बात से इतना गुस्सा आया कि गाली गुलौज लिख दिया मेरे को इतना सारा अपशब्द लिख दिया सब रिकॉर्ड है वो इतना अपशब्द लिख के फिर ब्लॉक कर दिया तो इतना गुस्सा होने की भी बात नहीं है ना मेरा भी कुछ मजबूरी हो गया मैं भी इंसान हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नाराज मत होएगा अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ कभी कभी तो और मेरा आदत है कि कोई मुझे कॉल करता है अगर मैं उस टाइम फोन नहीं उठाता हूँ तो मैं कॉल ब्लैक कर खुद करता हूँ तो ये भी विश्वास रहे मैं खुद कॉल करूंगा आपको अगर फोन नहीं उठाया तो बाद में खुद हालचाल पूछता हूँ ठीक है और गुस्सा मत होगा प्लीज चलिए आगे किसी को कुछ बोलना है अभी टाइम हो गया है तो आप लोग खाना पीना खा के सो जाइए अब हम सुबह मिलेंगे बजे कल बस्ती पे चिकित्सा पे चिकित्सा बात होगा और विस्तार से डिस्कशन होगा ग्यारह बजे और शाम को एमडी लोगों के लिए हम लोग संहिता और रिसर्च स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन होना नहीं होना है कोई बात नहीं ठीक है तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ प्रणाम सभी लोग को